गुरु जी, संगत जी, मेरा सत्संग ये भी पहले मैं गुरु जी से ब्लेसिंग ले लेती हूँ और आप सबको भी गुरु जी ब्लेस करें। सत्संग में अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो माफ करना गुरु जी, माफ करना संगत जी। बाकी जो बुलवाएंगे गुरु जी वही बोलूंगी मैं, जो उनकी आज्ञा होगी। एक चीज और है, मैं पता नहीं क्यों गुरुजी ये बुलवाना चाहते हैं मुझसे, पता नहीं समझ नहीं आया मेरे को। बार 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 मन में डाल रहे थे कि ये कर। एक्चुअली मेरी लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी, मतलब काफी ज्यादा। लेकिन मेरा बचपन से अब तक भगवान पे पूरा 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 ट्रस्ट रहा है, मतलब उनकी ब्लेसिंग मेरे साथ हमेशा रही है। और मुझे सब, मतलब अधिकतर मैं अपने आप को और सब भी, एक दो जने और भी, मतलब मुझे ब्लेस्ड चाइल्ड ही कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स हैं तो मैं ब्लेस्ड नहीं हूँ या भगवान का मेरे पर आशीर्वाद नहीं है। तो मतलब होता यह था, प्रॉब्लम्स होती थी। प्रॉब्लम ये थी कि सब ये सोचते थे कि ये इतनी पूजा पाठ करती है, भगवान में इतना मानती है, लेकिन फिर भी इसी पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा ही इसी पे। उसका कारण मुझे ही पता था, क्योंकि रीजन यही है। मैं एक्चुअली अपने भगवान से ये कह चुकी थी शुरू से ही कि मुझे अब जन्म नहीं लेना, मुझे जो भी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी है, जितने कर्म है, मुझे इसी जन्म में कटवा लेना, मैं और जन्म नहीं लेना चाहती। एक चीज ये भी, और दूसरा मैंने कभी भी अपने लिए कभी भी कुछ नहीं मांगा, कभी भी नहीं। मैं नहीं मांगती कि मेरे ऊपर प्रॉब्लम है। अब तो मैं गुरुजी को मानती हूँ, पहले जब बचपन से मैं शिवजी भगवान को मानती थी, शिवजी भगवान के ही रूप हैं गुरुजी, तो उनको, शिवजी भगवान को यही कहती थी कि मुझे नहीं मतलब कम करनी अपनी प्रॉब्लम्स, मुझे बस अगर दे रहे हो तो इसको बस सहन करने की हिम्मत देना, बस यही मांगती थी। तो मतलब अब शादी हो गई, काफी टाइम हो गया, एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए कि जब हस्बैंड को भी यकीन हुआ, कि काफी चीजें हुई कि मुझे एक्चुअली कुछ होने से पहले ना मुझे पता चल जाता था ये है मेरे अंदर। तो थोड़ा गुरुजी और भगवान जी मुझे कुछ होने लगता है तो मुझे बता देते थे। तो ये सब चीजें मैं अपनी बहन से, शादी से पहले अपनी बहन से शेयर करती थी कि ऐसे ऐसे मुझे लग रहा है और कुछ होने वाला है। तो ऐसा ही बाद में एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए कि हस्बैंड को भी मैंने एक दो बारी शेयर किया और उनके ऊपर थोड़ी प्रॉब्लम आई। एक सत्संग है वो मैं शेयर करूंगी आपको, उसमें आपको पता चल जाएगा हस्बैंड को कैसे यकीन हुआ। लेकिन एक दिन, मतलब मुझे तभी समझ आया सब क्या सोचते हैं, हस्बैंड ने ये बोला कि तुम इतनी बीमार रहती हो, तुम इतनी प्रॉब्लम में रहती हो, तुम भगवान पे कैसे, मतलब ये, मतलब उनका एक तरह से ना इशारा ये था कि कैसे भगवान जी के ऊपर इतनी श्रद्धा है, सब कुछ है, लेकिन तुम तो बीमार भी रहते हो, इतनी प्रॉब्लम में भी रहती हो, सब कुछ। तो मैंने सिर्फ एक जवाब दिया जो मेरे दिल का था कि मुझे अपने भगवान से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करवाने, मुझे सिर्फ ये है ताकत दो मुझे अपने कर्म कटवाने, क्योंकि कर्म अगर मैं काट लूंगी अपने सारे तो आगे जाके मुझे नया जन्म नहीं मिलेगा, मुझे सीधा ये है कि भगवान जी के चरणों में जगह चाहिए, वो मुझे मिल जाएगी। तो लेकिन हस्बैंड ये बात समझ नहीं पाया और मैं किसी को समझाना नहीं चाहती, लेकिन लोगों के मन में ये है कि जो मेरे आसपास हैं, जो मुझे जानते हैं, कि ये इतना मानती है, इतना करती है, जबकि मैं इतना कुछ नहीं करती, बस श्रद्धा पूरी रखती हूँ और कुछ उसूल बना रखे हैं लाइफ के, उन्हीं उसूलों पे रहती हूँ, बचपन से ही मैंने बना रखे हैं, उन्हीं पे रहती हूँ। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 9 साल की थी, 9 साल से ही सत्संग में आती जाती रहती हूँ। मैं बचपन से ही इन सब चीजों को पूरा वो करती थी, क्योंकि मेरे पापा भी मानते थे, मेरी मम्मी भी, और ये सब। लेकिन मेरे पापा का कम था, लेकिन शिवजी भगवान में बहुत मानते थे, और मेरी मम्मी सत्संग में जाती रहती थी, तो मैं मम्मी के साथ सत्संग आना जाना वो सब मैं बचपन से ही करती रहती थी। तो ये एक गुरुजी बुलवाना चाह रहे थे जवाब, मैंने वही दिया। पता नहीं क्यों किसी संगत को आंसर देना होगा गुरुजी ने, बाकी मुझे नहीं पता। एक सत्संग में शेयर करती हूँ, ये है सत्संग 2020 का ही, एक मेरे हस्बैंड के ना कजन, उन दिनों की बात है जब शशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, उस दिन की बात है, उस दिन जिस दिन राजपूत की डेथ हुई थी ना, उस दिन की बात है। उस दिन मैं उसकी डेथ जब मैंने नेट पे देखा, जब मैं उस
मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उससे अटैच थी या मैं उसकी फैन थी जो मुझे कुछ हो नहीं, लेकिन उसकी कुछ ऐसी डेथ की इंसिडेंट या कुछ ऐसी बातों ने ना मुझे मतलब अंदर से ना वो कर दिया था। मतलब इस चीज़ का ना मेरे पापा की डेथ से भी रिलेट, मतलब एक कॉमन फैक्ट था जो उसकी डेथ में और मेरे पापा की डेथ में था, तो उससे मैं थोड़ा सा वो हुई थी डिस्टर्ब। उसी दिन की बात है, रात को मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, वो गुड़गांव से बाहर गए हुए थे। तो उसी दिन मेरे हस्बैंड के कज़न हॉस्पिटलाइज हुए, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो जो कॉमन फैक्ट मैं बता रही हूँ वही कॉमन फैक्ट ही उनकी तबीयत ख़राब में भी था। तो इसको वैसे मुझे पता नहीं चला क्योंकि वो एडमिट हुए गुड़गांव में ही रहते, वो रोहतक है, उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो डॉक्टर ने कहा कि आप गुड़गांव ले जाओ, तो वो यहाँ आ गए थे। लेकिन ये बात मुझे नहीं पता क्योंकि हस्बैंड आके ही बताते, हस्बैंड तो थे ही नहीं गुड़गांव में। लेकिन उनसे पूरी रात डिस्कस होता रहा, उनके कज़न का और उनकी मतलब उनकी भाभी का, उनसे बातचीत होती रही लगातार। लेकिन ये बात मुझे नहीं पता थी, लेकिन मैं डिस्टर्ब थी सुशांत सिंह की मौत से। तो वो पूरी रात मतलब ये लगाओ कि 1-2 बजे तक मैं सोई नहीं, क्योंकि उन दिनों में मुझे उस डेथ से मेरे पापा की कॉमन चीज़ थी तो मेरे पापा की भी बड़ी याद सी आ रही थी मुझे। मेरे हस्बैंड आए नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, तो जब मॉर्निंग में आया तो उन्होंने बताया कि वो कज़न जो तुम्हें याद है अतुल भैया, वो ना हॉस्पिटलाइज है आर्टिमिस। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? एक्चुअली वो बहुत पॉजिटिव बंदा है, बहुत पॉजिटिव, और इतनी जब भी मैं उनसे मिली हूँ ना मेरे जेठ से, वो हमेशा स्माइल करते, हमेशा। कभी मैंने उनके फेस पे एक भी शिकन नहीं देखी थी, एक भी। हमेशा स्माइल करते हुए मिलते थे, बहुत मतलब बहुत पॉजिटिव बंदे, बहुत। तो ये चीज़ मुझे उनसे बहुत इम्प्रेस थी कि कैसे बंदा हंसता रहता है हमेशा। तो इसी वजह से भी मैं थोड़ा उनसे यही थी कि मुझे अच्छा लगती थी उनकी ये बात। तो जब उन्होंने बताया ना तो मैं शॉक हो गई, और उन्होंने वही कॉमन चीज़ बताई कि इस वजह से हुआ, तो मैं तो पूरे तरीके से वो हो गई, हिल गई। मतलब वो दिन पूरा मेरा ऐसे ही गया। फिर ये सुबह फिर ऑफिस चले गए, आते ही नहा धो के फ्रेश होके। तो रात को जब शाम को वापस आए, भाभी से बात होती रहती थी उनकी वाइफ से मेरे हस्बैंड की, तो उन्होंने बताया कि आप तुम ना सपना अपना फ़ोन ना साइलेंट पे मत करना। एक्चुअली मैं ना रात को फ़ोन साइलेंट पे करके सो जाती हूँ, और हमारे घर में थोड़ी सी सिग्नल वीक आते हैं, तो इस वजह से ना कई बार फ़ोन नॉट रीचेबल चला जाता है। तो इसी वजह से हस्बैंड ने कहा तुम साइलेंट पे मत करना, हो सकता है मेरा नॉट रीचेबल जाए तो तुम्हारे पास एक फ़ोन होना चाहिए जो हमारे को अवेलेबल हो। एक्चुअली हस्बैंड को ना भाभी ने बता दिया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि कभी भी आप भैया जा सकते हैं। ये सुन के मैं हिल गई पूरे तरीके से, मतलब मेरे अंदर बहुत बुरी हालत थी, और मेरे को मेरे पापा की डेथ और वो सब चीज़ें याद आने लग गई। फिर संभालना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने बस गुरुजी को सिर्फ यही कहा, मेरी टेलीपैथी से गुरुजी से बात हुई। मैंने कहा गुरुजी सुबह 8 बजे तक आप संभाल लो, बाकी मैं आपका सब वो वहाँ पहुँचा दूंगी, फिर आप अपने आप संभाल लोगे, लेकिन सुबह 8 बजे तक उनको कुछ मत होने देना। तो ये चीज़ थी, जैसे जैसे 12, 1 बज गई, 2 बज गई, मैं 2 बजे तक सोई नहीं, लेकिन मैं गुरुजी का नाम लेती रही और सो गई। सुबह 8 बजे गुरुजी का शुक्राना किया, कोई फोन नहीं, और वो मतलब सिचुएशन खराब थी लेकिन कोई फोन नहीं, वो नहीं गए। फिर मेरे को ये था कि बस अब गुरुजी का स्वरूप पहुंचाना है वहां हॉस्पिटल में। मैंने हस्बैंड को बोला कि तुम ना स्वरूप दे देना। ये थोड़े डिस्टर्ब थे क्योंकि भाभी, और वहाँ सिचुएशन इतनी खराब थी कि भाभी भी डिस्टर्ब थी। ये जानते हैं कि मैं गुरुजी को मानती हूँ तो ये सब चीजें कहूंगी। तो मैंने उनको कहा कि हस्बैंड को कहा मुझे फोन करना है, भाभी से बात करनी है, तो इन्होंने मुझे मना कर दिया कि तुम अभी बात नहीं करोगे, तुम अभी नहीं, जब मैं कहूंगा तब बात करना। तो मेरा यहीं रुक गया कि मैं स्वरूप कैसे पहुंचाऊं। मैंने तो सुबह मॉर्निंग में स्वरूप पहुंचाना था गुरुजी का, तो मैंने फिर टेलीपैथी से गुरुजी को कहा गुरुजी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है अब आपका स्वरूप पहुंचाना, किसी भी तरीके आपको ही वहां पे अपना स्वरूप पहुंचाना है और उनकी रक्षा करनी है। मैं पूरा दिन बस यही बात करती रही और यही प्रे करती रही, और दिन भर कोई वहां से ऐसी न्यूज, बुरी न्यूज नहीं आई जिससे कि कोई दिक्कत हो या मुझे। फिर गुरुजी पे भरोसा था मेरे को, शाम तक हो गया कि हाँ गुरुजी ने सब वो पहुंचा दिया है, मतलब अंदर से हो गया था, क्योंकि वरना कोई ना कोई न्यूज आ जाती, बड़ा मुश्किल था। वो बहुत बुरी हालत में थे, उनके मेरे हस्बैंड के कजन बहुत बुरी हालत में थे।
शाम तक भी नहीं आया। तो हस्बैंड ने मतलब गुरुजी कैसे तुम मतलब तुम्हारी इच्छा भी पूरी कराते हैं। शाम को हस्बैंड आए तो उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत ठीक है लेकिन अभी क्रिटिकल है हालत, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। और फिर रात को बात हुई भाभी की हस्बैंड से तो उन्होंने बताया। फिर सुबह भी बात हुई 8 बजे के करीब, 8:30 बजे की। अब थोड़ा सा ना गुरु मतलब अब थोड़ा भैया ठीक है मतलब। तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने एक बात कही हस्बैंड को कि आप भी बता दो कि कुछ करना है या कहीं मंदिर जाना है या कुछ करना है। मतलब उन्होंने एक तरह से इशारा दे दिया। गुरुजी चाह रहे थे कि सपना की बात हो जाए उनसे, क्योंकि मैं चाह रही थी कि उनको बताना कि गुरुजी पहुंच जाए या स्वरूप, तो मेरे हस्बैंड के थ्रू ही बात हो पाती थी। तो हस्बैंड ने ही खुद आके मुझे कहा कि अब तुम फोन करके बात कर सकते हो भाभी से, अब जो तुम्हें पहुंचाना है वो मैं पहुंचा दूंगा, बस तुम बात कर लेना, जो तुम कहोगे वो मैं कर दूंगा। ये गुरुजी की ही थी क्योंकि वहां से मैसेज आया तभी मैं दे पाई, क्योंकि मैंने इनको कहा था थोड़ी सिचुएशन ऐसी थी तो इन्होंने कहा ये सब चीजें अभी नहीं, तो इन्होंने मुझे रोक दिया। लेकिन वहां से जब आया भाभी ने बोला तो इन्होंने मुझे खुद बोला कि हाँ मतलब गुरुजी ने ये भी इच्छा पूरी कर दी कि अब किसी तरीके बात हो जाएगी तो रास्ते खुल जाएंगे। तो मानोगे मैंने जैसे भाभी को फोन किया, पहले सुबह फोन किया जैसे ही इन्होंने कहा उसके 10 मिनट बाद ही मैंने फोन कर लिया। तो उस वक्त वो मतलब डॉक्टर से बात कर रही थी तो फिर फोन उठाया, उन्होंने कहा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तो ये करते करते 1-1.5 घंटे बाद फिर मैंने रिप्लाई किया, फिर दोबारा फोन किया क्योंकि उनका रिप्लाई फोन नहीं आया। तो फिर दोबारा जब मैंने फोन किया तब भी ये भाभी ने यूं कहा कि अभी डॉक्टर आ गया, मैं उनसे बात करती हूँ, मैं तुमसे अगर अर्जेंट नहीं है तो मैं 10-15 मिनट बाद फोन करती हूँ। मैंने सिर्फ यही बोला, भाभी 1 मिनट रुक जाओ मेरी थोड़ी सी बात सुन लो। मैंने कहा आपको ना एक स्वरूप भेज रही हूँ मैं गुरुजी का, वो आप ना भैया के पिल्लों के साथ रख देना। उन्होंने कहा गुरुजी का, मैंने सिर्फ ये कहा स्वरूप भेज रही हूँ मतलब एक फोटो भेज रही हूँ। उन्होंने कहा गुरुजी का स्वरूप? मैंने कहा हाँ। कहते वो मेरे पास कल आ गया। मैंने शुक्राना किया गुरुजी का, जय गुरुजी। मैंने कि कल ही कहा गुरुजी अब आपने अपने आप से स्वरूप पहुंचाना है, और गुरुजी का स्वरूप वहां पे उसी टाइम मतलब जिस दिन मैंने कहा उसी दिन पहुंच गया। गुरुजी ने ये मैसेज पहुंचा दिया कि हाँ मैं पहुंच गया हूं और तू चिंता मत कर। और भाभी ने फिर एक बात कही, जब से वो स्वरूप आया है भैया की हालत सुधर रही है और डॉक्टर ने कहा है कि अब ये इम्प्रूव हो रहे हैं, इनके सिचुएशन इनके हालात थोड़ा इम्प्रूव हो रहे हैं, काफी नहीं थोड़े। मतलब जिसमें जब डॉक्टर ने ये जवाब दे दिया कि अब कभी भी जा सकते हैं, उन्होंने डॉक्टर ने ये कह दिया कि अब चांसेस है, मतलब ये लगाओ कि अगर 100% 99% उनके बचने के चांस नहीं थे, वहां पे डॉक्टर ने 90% चांसेस मतलब 10% चांसेस कर दिए कि बचने के हैं। तो ये भी बड़ी बात थी। तो भाभी थोड़े अच्छे उसमें थी, भाभी ने कहा फिर मैं तुमसे बात करती हूँ। तो बात हुई जैसे जैसे, फिर उन्होंने बताया कि स्वरूप आ गया, जल प्रसाद भी दे रहे हैं, उनके पास जल प्रसाद भी पहुंच गया, वो सब चीजें भी हो रही हैं। फिर शाम को करते करते 2-3 दिन में हालत काफी सुधर गई, भाभी ने ये सब चीजें करनी शुरू करी। फिर गुरुजी मतलब उनके वहाँ हॉस्पिटल में ये हुआ कि उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी तो डॉक्टर ने कहा कि MRI कराना है, MRI के लिए लेके जाएंगे। MRI के लिए लेके गए तो वहां पे भाभी ने देखा स्वरूप है ही नहीं गुरुजी का, स्वरूप ही नहीं है गुरुजी का, जो उनके पास था, जो मतलब एक फोटो था प्रिंट था, वो स्वरूप गुम हो गया। भाभी बहुत ज्यादा डर गई, भाभी ने हस्बैंड को फोन किया ऐसे ऐसे बात है स्वरूप नहीं है। तो फिर हस्बैंड ने यही कहा कि सपना से बात कर लो एक बारी। भाभी ने जब मेरे से बात करी, मुझे उस बारे में ये बात सुनना, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। भाभी ने कहा स्वरूप गुम हो गया, पता नहीं कहाँ गया। मैंने भाभी को कहा कि भाभी ये क्या हो गया, ये तो बड़ा अपशगुन है, ये वो करके एक दो बातें कही। भाभी वहां से बहुत ज्यादा डरने लग गई, बहुत ज्यादा अंदर से, मेरे अंदर से पता नहीं, मैं ये चीज नहीं जानती थी, अंदर से गुरुजी ने बात कही जो मैं बोल रही हूँ वो गुरुजी ने बोला। मैंने भाभी को बोला भाभी जी आप घबराना नहीं, आप घबराना नहीं, ये जो स्वरूप गुम हुआ है जो जरूर गुरुजी कोई ना कोई अपनी कोई ना कोई कष्ट आपका वहां से लेके लेके साथ में गए हैं। जबकि ये संगत जी ये बात मुझे नहीं पता कि ऐसा भी होता है, गुरुजी प्रॉब्लम लेके जाते हैं या स्वरूप खंडित होता है या कुछ भी होता है तो प्रॉब्लम लेके जाते हैं गुरुजी, प्रॉब्लम हमारी काटते हैं, मुझे नहीं पता था। लेकिन मैंने ये बात भाभी को कही, लेकिन अंदर कह तो दी, भाभी भी थोड़ी सी शांत हो गई, लेकिन अंदर से मैंने ये सोच रही थी कि ऐसा मैंने कहा क्यों, मैंने कहा कि मुझे तो नहीं पता। और ये तो अंदर से तो घबरा रही थी ना स्वरूप गुम होना, मेरे को तो नहीं पता कि गुरुजी लेके जाते हैं, बस ये था कि स्वरूप गुम हुआ मतलब कुछ ना कुछ
प्रॉब्लम हुई है कुछ ना कुछ, ऐसे मैं डर रही थी। और उसी दिन रात को मेरे पास सत्संग आ जाता है फेसबुक पे, मधु आंटी का, मधु मदान आंटी का। मैंने वो पूरा सत्संग सुना, उसमें यही था, मधु आंटी ने शेयर करा कि जब उनके हस्बैंड के ऊपर प्रॉब्लम आई थी और स्वरूप पूरा का पूरा खंडित हो गया था, उन पे स्क्रैचेस भी थे, तो गुरुजी ये कहते हैं कि जब भी अगर स्वरूप टूटता है, खंडित होता है या गुम होता है, तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम अपने ऊपर लेता हूँ और प्रॉब्लम को खत्म कर देता हूँ। तो ये बात मैं सुन के वो हो गई कि मैंने कैसे कैसे मतलब गुरुजी ने मेरे से बुलवाया और उनको भी शांत किया और ये बात कह भी दी, जबकि मुझे ये चीज नहीं पता थी। गुरुजी ने आंसर भी दे दिया कि तूने नहीं बोला, मैंने तेरे थ्रू बुलवाया। मैंने फिर उस वक्त भी गुरुजी का शुक्राना किया और पूरा मुझे यकीन हो गया गुरुजी अब पूरा साथ है, वो ठीक होके जाएंगे। और आप मानोगे, सिर्फ ये चीज नहीं, उनके ऊपर प्रॉब्लम जो आई थी फाइनेंशियली भी, सो कोरोना के टाइम में था, लास्ट लास्ट टाइम मई जून की बात है, तो कोरोना की वजह से सबकी हालत ही खराब हो रही थी, फाइनेंशियली सब दिक्कत भी थी, तो उनको यही दिक्कत थी। और ऊपर से वो वेंटिलेटर पे थे और आर्टेमिस हॉस्पिटल में एडमिट होना, लंबा चौड़ा बिल और इंश्योरेंस के भी जो सिचुएशन थी, इंश्योरेंस का कोई पैसा नहीं आना था। गुरु जी ने यहाँ पे भी हेल्प की, मतलब रास्ते बनाए और इंश्योरेंस के पैसे आने की भी रास्ता पूरा बना दिया। ठीक है, ये चीज हुई। और दूसरा, उनको ठीक भी कर रहे हैं और जहां वो वेंटिलेटर पे थे, वेंटिलेटर से भी वो उस पे आ गए, मतलब रूम में शिफ्ट हो गए, रूम में शिफ्ट हुए और वहीं पे ही उसकी भी इंश्योरेंस के भी पैसे हो रहे। यहाँ से भाभी की भी जान पहचान निकल आई उस डॉक्टर से, आर्टिमिस के, उन्होंने वहां पे डिस्काउंट की भी बात कर ली और बिल भी, आप मानोगे जब डिस्चार्ज हुए, कम से कम 20 से 25 दिन रहे हैं वहां आर्टिमिस में, और बिल आप यकीन नहीं मानोगे, बिल बहुत कम आया था, बहुत कम। गुरु जी ने सिर्फ सेहत नहीं, सेहत तो दी, लाइफ तो मतलब लाइफ तो दी, साथ में फाइनेंशियली भी जो उनकी प्रॉब्लम थी उसमें ज्यादा उनको प्रॉब्लम आने नहीं दी। गुरुजी हर वक्त साथ देते हैं। और वो नई संगत थी, गुरुजी ने जोड़ा, वो पहले गुरुजी को बिल्कुल नहीं जानती थी और गुरुजी के सत्संग बिल्कुल नहीं सुने थे, लेकिन उनको पूरा का पूरा ट्रस्ट, कहते हैं ना कि पूरा का पूरा बन गया, क्योंकि उनके हस्बैंड उनको गुरुजी ने दिया। प्लस उनको यही दिक्कत थी कि अब 20 दिन हो रहे हैं, इतने दिन हो रहे हैं वेंटिलेटर पे है, आईसीयू पे है, यहाँ पे भी बिल बढ़ा होगा, बहुत जबरदस्त बिल बढ़ा होगा, और कहीं से भी इंश्योरेंस की नहीं आने की सिचुएशन थी कि कहीं से भी इंश्योरेंस नहीं होगा, वो क्लियर ही नहीं होगा, जो सिचुएशन थी क्लियर नहीं होना था उनका इंश्योरेंस, लेकिन गुरु जी ने यहाँ पे भी क्लियर कर दिया, उनको इंश्योरेंस भी मिला, उनको इंश्योरेंस के भी पैसे मिले, और उसके ऊपर प्लस हॉस्पिटल वालों से भी डिस्काउंट मिला, बहुत कम बिल आया, बहुत कम। तो उन्होंने भी शुक्राना किया और मैंने माना हुआ था कि गुरुजी का शुक्राना मैं करूंगी जब वो घर आ जाएंगे, तो मैंने गुरुजी का भी शुक्राना किया, शुक्राना सत्संग किया। तो गुरुजी ने देखो यहाँ पे भी सिर्फ हमें नहीं ब्लेस करते, हमारे साथ जुड़े हुए सबको ब्लेस करते हैं। और मैं ये बता रही ना कि गुरुजी कैसे राह दिखाते हैं नहीं पता, कैसे हमें उस राह पे भी चलाते हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते कि गुरुजी किस राह पे हमें लेके जा रहे हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है यही राह हमारे लिए ठीक थी, हमें लगता है कि गलत है, लेकिन बाद में जाके पता चलता है कि ये राह ही हमारे लिए अच्छी है और कोई राह अच्छी नहीं थी। ये मेरे साथ खुद हुआ है, कई बार इस सिचुएशन में हुआ है। अब मैं मतलब ये लगाओ कि 4 से 5 साल पहले मैं गुरुजी पे सरेंडर पूरा कर चुकी हूँ, पहले नहीं करती थी, 2012 में जुड़ी थी गुरुजी से, भगवान से भी बचपन से मान रही हूँ, लेकिन मैंने सरेंडर पूरा नहीं किया था, गुरु से जुड़ने के बाद ही सरेंडर पूरा किया। फिर मुझे पता चला कि मैं सरेंडर होता क्या है, एक्चुअली मैं 2-3 साल पहले तक प्रॉब्लम्स थी तो मैं पंडितों के चक्कर काटना ये सब चीजें करती रहती थी, तो मतलब पूरा सरेंडर नहीं था ना, गुरुजी पे भरोसा नहीं था, तभी तो पंडितों के चक्कर काटती थी, तभी तो इधर उधर जाती थी अपना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जब मैंने 3 से 4 साल पहले जब पूरे तरीके से बंद कर दिया, तब गुरुजी ने अब मेरी राह, मेरी सारी की सारी राह खुद बनानी शुरू कर दी, खुद ब खुद चलाना मुझे उस पर शुरू कर दिया। और तब मुझे यकीन हुआ कि हाँ, जब आप पूरा सरेंडर कर लेते हो ना, तब गुरुजी आपके ऊपर ऐसे कंफ्यूजन और ऐसी प्रॉब्लम्स आते ही नहीं कि अब घबराओ। हाँ, प्रॉब्लम जरूर आती हैं, देखो हमारे कर्म तो हम ही काटेंगे ना, 10% ही तो देते हैं, वो ज्यादा तो नहीं देते, लेकिन 10% हमारे लिए बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं।
सोचो अगर 100% ही हमारे हमें काटने पड़ जाए तो हम तो मतलब जीना मुश्किल हो जाएगा। जीना मुश्किल क्या, सरवाइव करना ही मतलब आसान तो नहीं, बहुत ही मुश्किल की मैं ये कहती हूँ, एक पल काट नहीं पाएंगे, एक पल नहीं काट पाएंगे कि हम जो 10% नहीं काट पा रहे तो 100% कहाँ से काटते। वहां पे गुरुजी राह दिखाते हैं और एक साथ दिखाते हैं कि मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम चलो तो सही, मैंने उंगली पकड़ा रखी है, तुम्हें मैंने पकड़ रखा है तो फिर क्यों डरते हो। वही चीज थी, एक ऐसे ही हुआ कि एक और प्रॉब्लम थी, हमने घर बनाया था 2018 में, बनाना शुरू किया था, ये भी एक सत्संग है मैं आपसे शेयर करती हूँ। 2018 में बनाना शुरू किया था, थोड़ा लोन वोन लिया तब बनाया, 2019 तक पूरा रेडी नहीं हुआ था, लेकिन हमें कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से घर में आना पड़ गया था आधे अधूरे में, आधे नहीं मतलब थोड़ा बहुत काम रह गया था, फिनिशिंग वगैरह का काम रह गया था। तो हम आए तो आने के बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई जो मैं शेयर तो नहीं कर सकती, लेकिन वो प्रॉब्लम ऐसी थी फाइनेंशियली और फिजिकली दोनों तरीके से मेरे हस्बैंड को हार्म होना था। तो मैंने सिर्फ गुरुजी से ये कहा कि उस वक्त जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो थोड़ा मुश्किल भी वक्त होता है, तो थोड़ा सा आदमी फैमिली घर में थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो उस वजह से घर में भी बढ़ गई प्रॉब्लम्स। मैं भी ऐसे ही रहती हूँ डिस्टर्ब कि बच्चे भी संभालूं, घर भी बन रहा है, वो सब चीज़ें, और कैसे होगा, कैसे इतना लोन भी है वो सब चीज़ें। यहाँ पे हस्बैंड भी परेशान रहते थे उन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि वो प्रॉब्लम ऐसी थी कि कहते हैं ना कि बैठे बैठाए जिससे हमारा कोई मतलब नहीं, कोई लिंक नहीं, ऐसी प्रॉब्लम आ जाना बैठे बैठाए जिससे कोई लिंक नहीं, तो ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आई। और अगर वो प्रॉब्लम गुरुजी साथ ना देते ना, तो मतलब जो ये घर इतनी उससे बनाया था हमने, जो इतनी उसे सारा मतलब हमें सेल करना पड़ जाता, हमारे पास फिर छत ना होती, इसको सेल करने के बाद भी हमारे पास छत ना होती, इतना मतलब बुरी हालत हो गई थी, मतलब हो जाती, हुई नहीं थी। तो मैंने हस्बैंड भी मतलब उन दिनों में बहुत ही परेशान थे, एक दिन रात को आके कहा कि पता नहीं क्या होगा, मेरे से शेयर करा सारी चीज़, तो मैंने उस वक्त तो मैं भी डर गई सुन के सारी चीज़ें, लेकिन मैंने उनको ये नहीं शो किया कि मैं डर गई हूँ या कुछ भी एनीथिंग। तो मैंने गुरु जी से बाद में मतलब जब उनकी बात खत्म होगी उसके बाद मैं एक जगह पे गई, कोने पे जाके गुरु जी से टेलीपैथी के थ्रू बात करी, गुरु जी ने मुझे जो जो कहा, जो जो कहा मैंने वो सब चीज़ें हस्बैंड को सुबह मॉर्निंग में बताई कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें होंगी और तुमने ये चीज़ें नहीं करनी, ये नहीं करनी और ये करनी है, बस तुमने वो बना के रखनी है हिम्मत। और ये कुछ चीज़ें बताई गुरुजी ने, वो काम नहीं करने, वो मैंने उनको बता दिया, जैसे गुरुजी ने बात करी वैसे क्या वैसे मैंने उनको बता दिया, और जो चीज़ मैंने बताई मतलब गुरुजी ने बताई सेम टू सेम, आप मानोगे नहीं, 1-1.5 महीने में सेम टू सेम चीज़ें हुई। हस्बैंड को यकीन हुआ कि हाँ गुरुजी की जो ये बात करती है, गुरुजी पे जो ट्रस्ट है और जो बताती है कि ये सब चीज़ें होने वाली है, कई चीज़ें ऐसे, सिर्फ ये नहीं, कई चीज़ें ऐसे हुई, इंसिडेंट ऐसे हुए जो मैंने पहले बता दिए थे और वो चीज़ हुई, और ये चीज़, ये तो मैंने गुरुजी से बात करी थी तो गुरुजी ने जो जो बोला मैंने उनको बताया, तो हुआ वही का वही। लेकिन जो प्रॉब्लम 100% थी प्रॉब्लम, उसको गुरुजी ने, मैं नहीं कहूंगी 10%, 1% कर दिया था, 1%। अब मानोगे जो प्रॉब्लम थी ना, वो प्रॉब्लम से घर भी जाता, हमारे सर पे छत भी ना रहती, और ऊपर से इनके ऊपर भी प्रॉब्लम आती, तो मतलब हम पूरे तरीके से, मैं क्या कहूँ कैसे एक्सप्लेन करूँ, कहना बहुत मुश्किल था उस वक्त पे। इनके ऊपर भी प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियली भी फिजिकली भी, दोनों तरीके से अगर हो जाती वो चीज़ तो बहुत बहुत मुश्किल वक्त था वो, बहुत मुश्किल। तो गुरुजी ने वहां भी संभाला, और आप मानोगे जो फाइनेंशियली फिजिकली तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं, सबसे बड़ी बात फिजिकली कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं दी गुरुजी ने, और फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम आनी थी वो समझो कि जो चीज दो आप कहोगे 100%, 100 में से गुरुजी ने उसको 25% पे कर दिया, मतलब मानोगे जो चीज 100% होनी थी उसको सिर्फ हमने 25% दिया फाइनेंशियली, उसमें 25% हमें देना पड़ा, हमारा उससे लिंक नहीं था, था वो हमारा लॉस ही, क्योंकि हमारा उस चीज से कोई लिंक नहीं था, हमको कोई नहीं देना था, लेकिन जो प्रॉब्लम आई हमें देना था, लेकिन हमने समझो कि 200% देना है तो उसको गुरुजी ने, 100% देना है तो उसको गुरुजी ने 25% पे कर दिया, हमने 25% दिया। एक तरह से गुरुजी ने
कितनी बड़ी प्रॉब्लम को थोड़े से में कर दिया। फिजिकली तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं, फाइनेंशियली तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत जो है वो तो हमें थोड़ा बहुत कष्ट तो काटना पड़ेगा ना। एक ये सत्संग और एक और सत्संग मैं शेयर करती हूँ। ये है, मैं गुरु जी से ना मतलब जब जुड़ी थी तो मैं गुरु जी से कुछ नहीं मांगती थी, क्योंकि मुझे नहीं होता था कि गुरु जी से मांगू। मैं भगवान से भी कुछ नहीं मांगती थी, तो गुरु जी से भी कैसे मांगूंगी। लेकिन हाँ, सिर्फ ये रहता था कि दर्शन मुझे होते रहते थे, भगवान के भी होते रहते हैं दर्शन, लेकिन जब से मैं जुड़ी हूँ गुरु जी के दर्शन कभी नहीं हुए मुझे। गुरु जी के दर्शन कभी नहीं हुए। हाँ, स्वरूप में ये स्वरूप है, गुरु से बात करती रहती हूँ, गुरु जी जवाब भी देते हैं, और ऐसी चीजें होती हैं कि आप मानोगे अभी भी गुरु जी स्माइल कर रहे हैं मुझे। तो वो चीज है, वो होती रहती, लेकिन कहते हैं ना कि साक्षात पूरे दर्शन वो नहीं हुए मुझे। वो मैं बोलती हूँ कि गुरु जी के दर्शन करवाओ, गुरु जी दर्शन कराओ, गुरु जी ने कहते तू संभाल नहीं पाएगी। और सच बात ये है, मैं नहीं संभाल पाऊंगी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। गुरु जी अगर मुझे कुछ दिखा दे और मैं उसको संभाल पाऊँ, क्योंकि मैं डरती बहुत हूँ, मैं डरपोक हूँ, तो मैं नहीं संभाल पाऊंगी। गुरु जी ने सच बोला। और एक बात हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि रात को मैं गुरु से बात करी थी, तो स्वरूप के सामने मंदिर में अकेली थी, कुछ स्वरूप में मूवमेंट होने लगी, और रात का टाइम था, मूवमेंट हो रही थी, तो मैं नहीं संभाल पाई संगत जी, मतलब मैं इतनी डर गई, मैंने फटाफट लाइट जलाई और मैं फटाफट से कमरे में जाके चली गई। मैं उसको नहीं संभाल पाई, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उसको संभाल पाऊँ। लेकिन हाँ, गुरु जी ने मुझे ये सब होने के, क्योंकि मैंने गुरु जी पे कहा था, गुरु जी मुझे ना शिव जी भगवान के दर्शन होने चाहिए आपने। गुरु जी ने मुझे शिव जी भगवान के दर्शन कराए हैं, उनके ऐसे गंगा सिर से बह रही है और चौकड़ी मार के ऐसे, मतलब जैसे वो शिव जी भगवान बैठते हैं ऐसे, पूरे दर्शन पूरे अच्छे से दर्शन हुए और मूवमेंट भी हुई पूरे दर्शन में। लेकिन कभी मुझे मूवमेंट मतलब गुरु जी के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि मैं संभाल नहीं सकती। तो ऐसे ही हुआ, एक दिन मैं सपने मतलब नींद में थी, सपना आया मुझे, तो उसमें कुछ ऐसा था, काफी सारे लोग थे, मतलब मेरे ससुराल के काफी सारे लोग थे, फंक्शन था या कुछ था मुझे नहीं पता। लेकिन अचानक से मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे भी वो सपने में ही थे, अचानक से हस्बैंड, मैं और मेरा ब्रदर घर में आते हैं। लेकिन हुआ ये, मैंने ही बुलाया था। अचानक से मैंने देखा घर में ना मेरे पापा की फोटो, घर में मेरे पापा की फोटो नहीं है, लेकिन गुरुजी की फोटो है, मैंने रखी हुई है अंदर अलमारी में रखी हुई है, लेकिन मेरे पापा की फोटो मैंने लगा नहीं रखी कहीं भी घर में। लेकिन सपने में देखा मेरे पापा का फोटो गुरुजी के साथ ही पड़ा है, गुरुजी के स्वरूप के साथ ही पड़ा है, और दोनों में से अमृत वर्षा हो रही है, दोनों में से, या मेरे पापा से भी और या मेरे गुरुजी के स्वरूप में से भी। और जो अमृत वर्षा हो रही है वो सिर्फ तब होती है जब मैं उस स्वरूप में देखती हूँ और वहां खड़ी होती हूँ, तब उसके बाद वो रुक जाती है। तो मतलब गुरुजी ने दर्शन, और उसी दिन मैं गुरुजी से मांग रही थी, गुरुजी मेरे को कुछ तो करवाओ यार, दर्शन करवाओ, कुछ तो करवाओ दर्शन। और गुरुजी ने अमृत दर्शन करवाए, अमृत वर्षा के दर्शन करवाए, और ये दर्शन सिर्फ और सिर्फ मुझे, मेरे हस्बैंड को और मेरे ब्रदर को। वहां पे सब थे, फंक्शन हो रहा था या कुछ था, मतलब मेरे ससुराल में काफी सारे लोग आए हुए थे, उसी ड्रीम में बहुत सारे लोग थे, और मेरे बच्चे भी थे, मेरे फैमिली में भी सब थे, लेकिन ये दर्शन सिर्फ 3 जनों को ही हुए, मेरे ब्रदर को, मेरे को और मेरे हस्बैंड को। और वो भी तब होते थे जब मैं खड़ी होती थी वहां स्वरूप के सामने आती थी, तब होते थे, फिर उसके बाद जैसे ही मैं स्वरूप से सामने से चली जाती थी वो अमृत वर्षा होनी बंद हो जाती थी। मेरे ब्रदर ने भी ये नोटिस किया और मेरे हस्बैंड ने भी और मैंने भी, जैसे ही मैं स्वरूप के आगे खड़ी हो जाती हूँ तो वर्षा होने लग जाती है, जैसे ही स्वरूप से मैं चली जाती हूँ स्वरूप के आगे से या वहां से चली जाती हूँ तो अमृत वर्षा रुक जाती है। गुरुजी ने अमृत वर्षा के भी दर्शन कराए, और मुझे पूरा यकीन है इन सब चीजों से, अमृत वर्षा से, क्योंकि मैंने टेस्ट करी थी अमृत वर्षा, गुरुजी ने मुझे मतलब टेस्ट करवाई, लेकिन मेरे ब्रदर को और मेरे हस्बैंड को नहीं टेस्ट कराई, सिर्फ टेस्ट मैंने ही करी, मतलब पी, अमृत वर्षा जो हुई थी वो मैंने ही पी, लेकिन और किसी ने नहीं। लेकिन सिर्फ दर्शन सिर्फ ये 2 जनों और को हुए, मतलब पूरी फैमिली थी घर में, सब थे, लेकिन किसी को नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि दिख नहीं रही थी, नहीं दिख नहीं, दिख रही थी, लेकिन मैंने बुलाया ही सिर्फ हम 3 जनों को ही, मतलब मेरे को नहीं समझ आया सपने में गुरुजी ने कहा ही होगा, वरना सारे लोग हैं उनको नहीं बुलाया मैंने, देखो मंदिर में क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, सिर्फ अपने हस्बैंड को और अपने ब्रदर को ही बुलाया और उन्होंने ही देखा और किसी को नहीं बुलाया। तो गुरुजी ने ब्लेस करा कि सिर्फ इन 3 जनों को ही दर्शन हुए,
तो मैंने हस्बैंड को तो नहीं बताया ये बात, लेकिन अपने ब्रदर को जरूर बताया कि अमृत वर्षा के दर्शन हुए हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं ब्लेस करा है गुरुजी ने। तो एक ये ड्रीम मतलब गुरुजी ने एक मेरे ऊपर ब्लेसिंग दी। एक सत्संग और शेयर करूंगी। ये एक ऐसा है कि आप कहोगे कि गुरुजी कैसे आपको उंगली पकड़ा के चल, मतलब जिस राह पे आप सही हो, जो राह आपके ऊपर आपके लिए सही है, उस राह पे कैसे ले जाते हैं। मैं वैसे जिद नहीं करती, मैं सबकी बात मानती हूँ, अपने घर वालों की भी बात मानती हूँ, सबकी जो मुझे जैसा कहता है मैं मान लेती हूँ। लेकिन जब मैं गुस्से में आ जाती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ, वैसे तो गुस्सा भी ऐसा होता है कि मान जाती हूँ सबकी बात। लेकिन कुछ टाइम पहले की बात है, ये 2018 की बात है, दिसंबर की, कुछ घर में प्रॉब्लम हुई और उस वक्त मतलब पता नहीं क्या हुआ, उन सब चीज़ों से मैं अंदर से टूट सी गई। दिल मेरा मतलब जैसे होता है ना कि दुख जाना, और बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मैं दिल से ना मतलब अंदर से ऐसे हो गई कि नहीं, मतलब जो चीज़ मैं करने वाली थी वो सही नहीं था, ना मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए। मैं मतलब ये लगाओ कि मैं आपको बताती हूँ, गुरुजी जैसे आपको बताया ना कि मैं भगवान को मानती हूँ, गुरुजी को मानती हूँ, कुछ दिनों से ना 2018 की बात है, उस टाइम से मेरी ना इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट खत्म हो गया जिंदगी में। मतलब जीना चाहती हूँ लेकिन रहना, काम करना, ये सब में इंटरेस्ट नहीं था। मेरा सिर्फ इंटरेस्ट था कि क्यों ना इसको मैं गुरुजी के उसमें लगा लूँ, भगवान के उसमें, और मैं चली जाऊँ कहीं, उनकी सेवा ही करती रहूँ, और मैं ये सब दुनियादारी, ये सब सब छोड़ दूँ, सब छोड़ दूँ। जबकि मेरे दो बच्चे हैं, छोड़ना नहीं चाहिए, गुरुजी ने कहा छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से पता नहीं क्यों क्या हुआ, मुझे नहीं पता, मैं संभाल नहीं पा रही थी अपने आप को, मैं नहीं रह पा रही थी कि मैं ये सब चीज़ें करूं अब। और मुझे लगा नहीं, मुझे सिर्फ ये है कि भगवान में विश्वास करती हूँ ना, भगवान को मैं पाना चाहती हूँ ना, तब तो उसी राह पे ही चलूं, बस उसी राह पे चलने के लिए ना तैयार सी हो गई। एक दिन रात को हस्बैंड और मेरी झगड़ा हुआ, तो मैंने बोल दिया अब मुझे नहीं रहना, अब मुझे नहीं रहना, मैं सब कुछ छोड़ के अपने भगवान के पास जाऊंगी। क्योंकि उनसे कुछ दिन पहले से ही मैं ये सब चीजें मतलब मन में चल ही रही थी, और एक दिन बाई चांस थोड़ा सा झगड़ा हुआ, तो इन सब चीजों को छोड़ के मैं फिर पक्का कर लिया, नहीं अब मुझे नहीं रहना, अब मुझे जाना है भगवान के उसमें ही जाना, मैं पक्का कर लिया। आप मानोगे नहीं संगत जी, उस वक्त मुझे कोई संभाल नहीं सकता था। मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी, और मेरी एक जेठानी है, भाभी, बहुत प्यारी, बहुत भाभी, बहुत प्यारी, अब तो नहीं है, 2020 में ही उनकी डेथ हुई है, बहुत ही प्यारी एक उन, वो मुझे संभाल सकते थे जब गुस्से में आऊं या कुछ भी हो, और एक मेरे पापा मम्मी, क्योंकि मैं सबकी बात मानती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जब मेरे साथ कुछ गलत होता है, वो भी गलत ऐसे नहीं कि मैं गलत चीज पे गुस्सा हो जाती हूँ, जब मैं होती तो सही हूं लेकिन मुझ पे प्रेशर दिया जाता है कि नहीं 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 तू ये कर, जबरदस्ती, और जबरदस्ती मैं कुछ नहीं करना चाहती, जो है सही के लिए, अगर हूं, अगर मैं सही हूं तो क्यों, मैं बिल्कुल मतलब सब कुछ करती हूँ तुम्हारी मर्जी से, सब कुछ, हर चीज, मैं एक कदम भी अपनी मर्जी से नहीं लेती। लेकिन जहां मैं सही हूं, हर तरीके से सही हूं, कई बार गुस्से में आ जाती हूँ कि अब मैं सही हूं तो क्यों क्यों करूं वो सब चीजें जो मुझे गलत लगती हैं। तो ये सब चीजें थी, किसी ना किसी तरीके मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकती, ये सोशल मीडिया है तो सोशल सब पे नहीं कर सकती, लेकिन इन सब चीजों की वजह से मतलब डिस्टर्ब रहती थी। तब मुझे वो समझाने वाले दो तीन बंदे ही होते थे जो पूरे, वैसे मैं बड़ों की सबकी बात मानती हूँ, लेकिन एक मेरी भाभी जेठानी और एक मेरे पापा मम्मी, इन सबकी बात मतलब ये लगाओ कि सर आंखों पे होती है मेरे। तो मेरी भाभी तो नहीं उस वक्त तो थी, लेकिन मैं ये सब चीजें शेयर नहीं करना चाह रही थी, और मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड के थ्रू पता चल जाएगा, लेकिन मैं डर नहीं रही थी, क्योंकि मेरे को लग रहा था मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। लेकिन एक कहते हैं ना कि गुरुजी, मैं गुरुजी को अपने पापा मान चुकी हूँ पूरे तरीके से, तो जब और कोई हो ना हो तो गुरुजी तो कहीं ना कहीं साथ देते हैं ना आपका, तो ऐसे ही हुआ, तो गुरुजी ने मतलब मैं स्टेप उठा चुकी, तो कि मैं तो नहीं रहूंगी, अब नहीं रहूंगी, बच्चे हैं संभालो अपना, गुरुजी ने दिए हैं जैसे भी अपना पल जाएंगे, लेकिन मैं नहीं रहूंगी अब।
इन चीज पे अड़ गई और मैं गुस्से में थी। मुझे संभालना मतलब ये लगाओ कि उस वक्त जो मैंने महसूस किया, मुझे रोकना आसान नहीं था, बिल्कुल आसान नहीं था। और गुरुजी को पता था कि अब मैं बात मानूंगी नहीं, क्योंकि मैं हर चीज ना गुरु से पूछ के करती हूँ। उसमें गुरुजी से पूछा, लेकिन गुरुजी ने जो मना किया नहीं हो पाया। उस वक्त बाई चांस हस्बैंड और मेरा भी झगड़ा हो गया, तो और चीज वो हो गई, तो मैंने माना ही नहीं। गुरु जी ने कहा नहीं करना, तो मैंने माना ही नहीं। मैंने कहा नहीं, अब तो मैंने करना है, कुछ भी हो जाए, अब तो मुझे जाना है। थोड़ा डिस्टर्ब थी तो नहीं, वो तो जाना है। आप मानोगे नहीं, उस दिन संगत जी आप सुनोगे ना, आप हैरान हो जाओगे कैसे गुरु जी अपनी संगत का ध्यान रखते हैं, अपने संगत का एक एक कदम गलत होने से रोक देते हैं। आप मानोगे, जिस दिन मैं डिसाइड कर दी, रात रात के 10 साढ़े 10 बजी होगी, मैंने कहा नहीं, अब तो मैंने डिसाइड करना है, सुबह सुबह मैं तो जाऊंगी। आप मानोगे नहीं संगत जी, उसी रात मैं ऐसी बीमार हुई, ऐसी बीमार हुई, मैं बेड से एक कदम नहीं उठा पा रही थी, एक कदम। मैं जाने की सोच रही थी, एक कदम नहीं। और मेरा फोन, कहते हैं ना आज के टाइम में तो फोन बहुत जरूरी है, मेरा फोन ऐसा हुआ कि मैं किसी बात ना कर पाऊं, नॉट रीचेबल, सिर्फ ओनली व्हाट्सएप कॉलिंग हो रही थी, व्हाट्सएप चल रहा था और कुछ नहीं, वो भी घर के वाईफाई से कनेक्ट होकर व्हाट्सएप चल रहा था, बाकी उसमें कुछ नहीं, ना कॉल जा रही है ना कुछ, वो नॉट रीचेबल जा रहा है, स्विच ऑफ हो रहा है, ना कोई कॉल जाएगी ना कुछ। गुरुजी ने मुझे कॉल करने से रोक दिया, सब कुछ बंद कर दिया, सिर्फ ओनली वाईफाई के कनेक्शन से व्हाट्सएप कॉलिंग या व्हाट्सएप। और उस वक्त मैं इतनी बीमार हो गई, 2 दिन तक 3 दिन तक इतनी बीमार थी कि कहीं जाना तो मैं सोच ही नहीं सकती थी। सोच क्या, मैं एक कदम नीचे नहीं, पलंग से एक कदम नीचे नहीं कर पा रही थी। और फिर मेरे हस्बैंड ने ये सब चीजें बता दी मेरे फैमिली को, भाभी को, कि ऐसे ऐसे ये कह रही है, तो उनका भी प्रेशर आना था, फोन आना था, सारी चीजें, लेकिन मेरा फोन तो मिल ही नहीं रहा था, नॉट रीचेबल। तो मैं किसी बात भी नहीं करना चाह रही थी, कि सच बात बताऊं तो मतलब व्हाट्सएप कॉलिंग आ रही थी तो मैं नहीं हो रहा था मेरे से कि मैं किसे कॉल भी करूं, और तबीयत खराब हो गई तो और भी ज्यादा दिक्कत। तो फिर मूड भी ऐसे ही था, नहीं था मन मेरा। अब मानोगे, व्हाट्सएप चल रहा था, गुरुजी की मर्जी थी, मेरे पास गुरुजी ने, मैं टेलीपैथी से बात नहीं कर रही थी, गुरुजी की कोई बात सुन नहीं रही थी, तो गुरुजी ने मैसेज देना था। किस तरह देते, व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, तो जो मैं आपको मैसेज बताती हूँ, थोड़ा बहुत पता है मुझे, मतलब याद है, पूरी डिटेल मतलब पूरा नहीं बता पाऊंगी कि कैसे था, वर्डिंग क्या थी, लेकिन उसका मीनिंग आपको बता देती हूँ। उसमें ये था कि जो तू तपस्या या जो तू तप करना चाह रही है परिवार को छोड़ के, वो तब होगा जो भगवान को पाना चाह रही है, वो तब होगा जब तू इसी घर में रह के पूरे परिवार का ध्यान रख के, अपनी असली तपस्या तो तेरी यही है, तब जब तू पूरे परिवार को संभालेगी और उसके साथ साथ नाम जपेगी। मुझे मेरा आंसर मिल गया, गुरुजी ने बता दिया कि हाँ ये तो कदम नहीं उठाएगी। और मैं जिस वक्त ये मैसेज आया, मैंने पढ़ा, उस वक्त मैंने कहा गुरुजी सॉरी, अब नहीं उठाऊंगी, मुझे समझ आ गया। और आप मानोगे, उसके विद इन आधे घंटे बाद मैं बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल ठीक। और मेरा फोन जो था प्रॉब्लम, हस्बैंड लेके गए थे, उन्होंने बताया सिम खराब हो गई है, सिम भी ठीक होके वो फोन भी ऑन हो गया आधे आधे एक घंटे बाद। मतलब मैंने सोचा, और ये आधे एक घंटे बाद मेरी तबीयत ठीक, और शाम को मेरा फोन ठीक होके आ गया। दोपहर को लेके गया लड़का, मतलब जब ये व्हाट्सएप मैसेज आया, उसके बाद पढ़ने के बाद जब मैंने डिसाइड किया, तो दोपहर को लेके गया, जाना पड़ता है, तो दोपहर को जब लड़का लेके गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे, मेरे नाम पे था तो मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं गई शाम को, और शाम तक वो ठीक होके आ गया, क्योंकि सिम वो खराब हो गई थी। सिम खराब थी तो वो चलनी नहीं थी, प्रॉब्लम ये निकली कि सिम खराब हो गई, और क्यों, किसने करवाई, सब गुरुजी ने ना, ना तो ये बिस्तरे से हिलेगी, ना फोन कर पाएगी, रास्ते दोनों बंद, ना ये जा पाएगी। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जब मैं समझ गई कि हाँ मुझे ये कदम नहीं उठाना, तो सब कुछ ठीक कर दिया, मेरी तबीयत भी ठीक हो गई और फोन भी ठीक हो गया। तो गुरुजी ने पूरा का पूरा रास्ता दिखाया, पूरी की पूरी राह पे भी चलाया। ऐसी कई प्रॉब्लम्स आई है संगत जी, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम आई जब मैं बिल्कुल सिचुएशन में ऐसी हो जाती हूँ कि क्या करूँ क्या करूँ, कोई राह दिखाए मुझे, कोई बताए, तो मैं सिर्फ गुरुजी से लेती हूँ, गुरुजी को बोलती, गुरुजी अब आपने राह दिखानी है, मुझे बताओ कि मुझे करना क्या। और गुरुजी मुझे बताते भी, सिर्फ मैं उस पे मतलब
आंख बंद करके यकीन कर, क्योंकि सबसे बड़ी बात आंख बंद करना ही, क्या गुरु जी ऐसे हैं, भगवान हैं आपके, मतलब जो मैंने जो देख गुरु जी को देखा है साक्षात भगवान है ना। अब भगवान ही डिसाइड कर रहा है तुम्हारी, तुमने सरेंडर कर दिया, भगवान ने ही डिसाइड करना है, तो भगवान तुम्हें गलत राह पे तो नहीं लेके जाएगा। माँ बाप जैसा ही भगवान के तो हम हैं बच्चे ना, माँ बाप तो बाद में आते हैं, लेकिन भगवान ने सबसे पहले माँ बाप को ऊपर रखा है, लेकिन है तो हम भगवान के बच्चे ना। जब भगवान के बच्चे, जैसे माँ बाप गलत राह पे जाने नहीं देते अपने बच्चों को, क्या भगवान पे जब हमने पूरा सरेंडर कर दिया तो क्या जाने देंगे? जैसे हम माँ बाप के ऊपर अगर पूरा विश्वास कर ले, माँ बाप जैसे कहते हैं वैसे हम कर ले, तो क्या माँ बाप हमें गलत राह दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे ना। ऐसे ही होता है संगत जी, मैंने पूरा सरेंडर कर दिया तो अब गुरु जी गलत राह पे जाने ही नहीं देते, वहीं के वहीं रोक लेते कि, और सबसे बड़ी बात दिखा भी देते हैं कि हाँ तूने यही जाना है और तेरी राह ये है और मैं करती भी वही हूँ। चाहे होती है उस राह पे प्रॉब्लम्स होती है, ऐसा नहीं है, देखो प्रॉब्लम्स तो हर जगह है। एक ऐसे ही मैं आपको सत्संग बताती हूँ, कुछ चीजें ऐसी थी जो मैं अपने लाइफ का डिसीजन, वैसे मैंने आज तक कोई भी डिसीजन ना ऐसा नहीं लिया, मैं सब कुछ अपने पेरेंट्स पे और अपने बड़ों पे रखती हूँ। मैं कोई भी लाइफ के, मतलब शादी भी अगर है तो मेरे पापा ने जरूर कहा था कि अगर कोई पसंद है तो बता दो उससे कर देंगे, लेकिन मैंने सोचा हुआ था नहीं, मैं जो भी करूंगी अपने माँ बाप की मर्जी से ही करूंगी। तो मैंने बड़े बड़े डिसीजन, क्या छोटे छोटे डिसीजन भी मेरे घर वाले ही लेते थे मेरी लाइफ के, मैंने उन पे छोड़ा हुआ था। तो ऐसे ही हुआ एक दिन जब बड़ा लाइफ का डिसीजन लेने का वक्त आया, कुछ था प्रॉब्लम थी ऐसी, तो लाइफ की लाइफ से जुड़ी हुई थी, तो मैंने कहा गुरु जी इतना बड़ा डिसीजन मैं कैसे ले पाऊंगी, आप ही राह दिखाओ। तो गुरु जी ने राह दिखाई, तो मैंने यही कहा कि प्रॉब्लम्स तो हैं इस राह पे, तो गुरु जी ने जवाब दिया टेलीपैथी से, तो अगर इस प्रॉब्लम से हटके इस राह को छोड़ के दूसरी राह पे जाएगी जो तेरे कर्म है, ऐसे नहीं तो वैसे, तेरे को भुगतने तो तुझे ही है, चाहे इस तरीके से इस राह पे चल के ऐसे भुगत ले या दूसरी राह पे, तेरे को नहीं पता कि कैसे आएंगे उस राह पे, लेकिन जो तेरे कर्म है वो तो तुझे ही भुगतने पड़ेंगे, ऐसे नहीं तो वैसे। तो गुरु जी ने क्लियर बताया ऐसे नहीं तो वैसे, भुगतने तो तुझे ही है। तो मैंने कहा ठीक है ऐसे ही भुगतने है, तो जो देखा हुआ है उसी में भुगत लेती हूँ, एटलीस्ट पता तो है मुझे ये वाले हैं प्रॉब्लम्स, इसका सामना करना है, क्योंकि वो अब काफी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं नॉलेज में है कि हाँ इसको कर लेंगे हम, प्रॉब्लम है लेकिन नॉलेज तो है उन प्रॉब्लम्स के बारे में, सोल्यूशन भी निकल आएगा। लेकिन अगर मैं नई राह पे चली गई, नया कदम उठा लिया, तो मुझे तो नहीं पता ना उस राह पे कौन से प्रॉब्लम आएंगे और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मेरे अंदर शक्ति हो ना हो, नहीं पता ना, नहीं पता ना संगत जी। तो फिर मैंने कहा गुरु जी जैसे आप चाहो वैसे ही मैं करूंगी इसी राह पे। सही, देखो गुरु जी यहाँ पे आपकी राह का भी बताते हैं और आंसर भी देते हैं कि क्यों इस राह पे चलना है, क्यों चलना है। ऐसे ही एक और सत्संग है मैं आपको शेयर करूंगी, ये 2008 2006 की बात है, मेरी नई नई शादी हुई थी, 2005 में मेरी शादी हुई, 2006 में मेरे कजन की शादी थी, तो मैं शादी में गई हुई थी। तो वहाँ पे शादी से पहले कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए कि वहाँ फैमिली काफी सारी इकट्ठी हो जाती है ना, तो हो जाता है कभी कभी किसी किसी को कोई कोई पसंद नहीं आता। ऐसे ही एक अंकल थे, मतलब मेरी कजन के अंकल थे, उनको मैं पसंद नहीं आई, तो उनको पता नहीं मेरी किस चीज से प्रॉब्लम हुई या क्या है मुझे नहीं पता, पता नहीं किसी चीज से प्रॉब्लम हो गई उनको मेरे, वो मेरे से चिढ़ टाइप कर, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्यों चिढ़े हैं क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने ये सब चीजें, मतलब कुछ चीजें ना शुरू कर दी, मतलब मुझे तंग करना, मुझे गुस्सा करना, तो मुझे लगा कि क्यों, और मैं नई नई भी शादी हुई थी, मेरे मम्मी पापा तो थे, मेरी मम्मी थी सॉरी, पापा तो रात को शादी में आने थे, तो 2 दिन वहां रही थी, तो पता नहीं किस बात पे चिढ़ से गए, मुझे नहीं समझ आया। तो उन्होंने कुछ ऐसा मुझे कह दिया जो बुरा लग गया, मुझे गलत कह दिया था कुछ। तो शादी, जिस दिन शादी थी बाय चांस मेरे से गलती हो गई कि मैंने ये बात अपने हस्बैंड से शेयर कर ली कि ऐसे ऐसे उस अंकल ने मुझे यूँ कह दिया कुछ, मैंने हस्बैंड को कह दिया। यहाँ पे हस्बैंड तो अभी शादी में आए नहीं थे,
गुड़गांव में ही थे, तो उनको ये बात बुरी लग गई। तो शादी वाले दिन ही आना था उन्होंने। शादी में आए तो उन्होंने कहा वो अंकल से मिलवाओ। एक बात बताओ, इतने सारे लोग हैं और हस्बैंड भी गुस्से में थे, और अंकल ने कुछ कह दिया था मुझे, तो मुझे हस्बैंड के गुस्से का पता चल रहा था कि आज यहाँ हंगामा हो जाएगा अगर मिलवा दिया तो। हस्बैंड ने बोला नहीं मिलवाओ, मतलब कुछ ऐसा हुआ तो उन्होंने ऐसा कदम उठाया हस्बैंड ने कि मेरे जो कजन के पापा थे उनसे पूछ लिया, और पूरी शादी में ऐसा हंगामा होना था। ये बात बहुत पता चली थी, मेरे से गलती ये हुई कि मैंने हस्बैंड को बता दिया। तो हस्बैंड ने ड्रामा, मतलब वहां पे जो बात कही थी, इशू होना था, बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो जाता। मेरे को ये बात अच्छी नहीं लगी बहुत ज्यादा। मैं पहले ही अंकल की बात से डिस्टर्ब हो गई थी, फिर हस्बैंड ने यूं कहा कि नहीं अब तो होगा, कुछ तो होगा, आप अंकल से मैं बात करूंगा। तो मुझे पता चल गया था इनके गुस्से से कि ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। मैं भी डर गई, डर की वजह से मैं शादी छोड़ के चली गई, और डिस्टर्ब तो थी। अंकल ने भी कह दिया था, हस्बैंड ने भी गुस्से गुस्से में कह दिया तुम मेरी इज्जत नहीं करती, मतलब वो दो तीन चीजें कह दी। यहाँ पे मेरी फैमिली भी आई हुई है, उस कजन की। सबसे बड़ी बात मेरे मन में ये था कि मैं अपने कजन की शादी को खराब करूँ, मेरी वजह से उसकी शादी को, मतलब देखो सीन होता, क्रिएट होता, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी झगड़ा होता, सब शादी तो एक तरह से हो जाती है ना, मतलब दुल्हन के लिए तो हो जाएगा ना कि उसकी शादी है, कि जो सबसे प्यारा मोमेंट होता है, सबसे प्यारा याद रहता है लाइफ टाइम का, वो तो थोड़ा सा स्पॉइल हो जाता, वो मैं नहीं चाहती थी। तो मैं वहां से जाना ठीक समझा, लेकिन मुझे किसी ने जाने नहीं दे रहे थे, तो मैं वहां से भाग गई कि नहीं मैं किसी तरीके जाऊंगी तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, एटलीस्ट उसकी शादी तो ठीक ढंग से हो जाएगी। तो ये चीज हुई तो मैं चली गई, और मैं डिस्टर्ब थी, मेरे माइंड में वो सारी बातें चल रही थी। और रात का ये टाइम था 10:30-11 बजे का, और ये चीज है मेहरौली की। मेहरौली में उस टाइम पे मतलब सुनसान सा ही होता था, जहां पे शादी थी वहां पे एक तालाब भी था, बड़ा सा तालाब था। तो मतलब लेकिन उस तालाब के आसपास ना, मतलब माहौल, मतलब ऐसा शांति वाला। मैं वहां जाके खड़ी हो गई कि थोड़ा माइंड सो सकूं, कुछ शांत मिले मुझे, और वहां पे कोई भी, मेरा फैमिली वाला कोई भी आके ना मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। मैं वहां चली गई अकेले। तो मतलब शायद मैं इतनी डिस्टर्ब थी या कुछ था, मुझे नहीं पता, या मेरा पैर फिसलने वाला था, कुछ था कि कुछ ऐसी चीज होनी थी जो अनहोनी थी, मतलब कुछ होने वाला था, वो मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा था कि उस वक्त जो हुआ, उस वक्त ऐसा था कि अगर मैं 2 सेकंड कोई मुझे ना रोकता तो मैं मर चुकी होती, मैं मर चुकी होती, मैं जिंदा होती ना होती मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तालाब में गिर जाती। ऐसा था कि तालाब में जाती हूँ रात के 10, मतलब ये 10:30-11 बजे का, कोई ढूंढ भी नहीं सकता, और मुझे तैरना नहीं आता, ठीक है, तैरना नहीं आता तो मतलब तो मरना था ही, कोई निकालने वाला भी नहीं, और जहां पे शादी थी उसके थोड़ी दूर पे तालाब था, कोई वहां जाके दिखता भी ना, अंधेरा था, कहाँ तालाब में दिखता कि कुछ है या कुछ नहीं है। तो वहां पे मैं तब तक गुरुजी से नहीं मिली थी, लेकिन शिवजी भगवान को पूरा मानती थी। तो वहां पे एक बाबा आए 11 बजे के करीब, 10:30-11 बजे एक बाबा आए, मुझे आके कहते बेटा क्या कर रहे हो। मैं एकदम ऐसे चौक हो गई, और उसी की वजह से मैं थोड़ा सा साइड हो गई, मतलब जो बाबा आए जिन्होंने मुझे कहा, तो उसी की वजह से मैं साइड हो गई, गिरते गिरते बच गई। फिर मैंने, जब वो चले गए ना, मैंने उनको कहा कि नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे करके जब वो चले गए ना, तब मैंने देखा मैं बिल्कुल तालाब के बिल्कुल उसमें थी, और मैं गिरने वाली थी, और मैं थोड़ा सा जब बात करते करते मैं इधर हो गई थी। कैसे इधर हुई मुझे नहीं पता, मतलब कब मैं तालाब से थोड़ी दूरी पे चली गई नहीं पता, और तालाब से वो काफी ऊंचाई पे था, जहां मैं खड़ी थी काफी ऊंचाई पे था, और नीचे तालाब था, और वहां से अगर मैं गिरती ना तो बचने का कोई चांस नहीं था। लेकिन मैं कब वहां से 2 फीट की दूरी पे आ गई मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे समझ जरूर आ गया कि मैं अगर ना साइड होती या वो ना आते तो मैं जाने वाली थी, मैं जाने वाली थी उस वक्त। फिर मुझे लगा कि हाँ क्या हो गया ये, मतलब उस वक्त देखने वाली सिचुएशन, अंदर से संभालने वाली की। लेकिन आज जब मैं गुरु से मिली, और गुरु जी ने मुझे ये सब चीज टेलीपैथी से भी बताया, वो और कोई नहीं, मैं था बचाने वाला।
तुझे उस राह से भी बचाने वाला मैं था। सोचो गुरुजी, जब नहीं मिले थे तब भी राह पे दिखाया, तब भी मतलब मुझे गिरते हुए, मुझे मतलब संगत को मरते हुए वो प्रॉब्लम में नहीं देख पाए ना, वो आए वहां पे। और संगत जी, आप मानोगे, पूरा अंधेरा, और वहां आसपास कोई ऐसा नहीं था, किसी के घर नहीं थे, काफी दूरी पे घर होंगे, कहाँ से कोई वो बंदा आ गया 11 बजे के करीब, नहीं पता। तो वो कौन हो सकता है, गुरुजी होंगे ना जरूर। और गुरुजी ने बताया भी टेलीपैथी से, और सत्संग मुझे मतलब ये याद भी दिलाया, वरना मुझे इतने याद नहीं रहते सत्संग होते हैं, तो गुरुजी ने याद दिलाया कि हाँ ये भी सत्संग है और मैं ही था। तो यही सब चीजें हैं, और भी काफी सारे सत्संग हैं, लेकिन अब मैं एक दो सत्संग मेरी बेटी भी शेयर करेगी, मैं उससे करवाती हूँ। संगत जी, मेरी बेटी की भी, गुरु जी की बेटी है, वो शेयर कर रही है थोड़ा सा, प्लीज। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं भी अपने कुछ सत्संग शेयर करने वाली हूँ। तो मेरा सबसे पहला सत्संग है, जिस दिन मेरे को पता चला था कि थर्सडे को उस सत्संग शेयर करना है मैंने, तो उस दिन भी मेरे साथ एक सत्संग हुआ कि मैं रात को सोने से पहले मैं याद कर रही थी कि मेरे पास, मेरे को कौन कौन से सत्संग हुए हैं, मेरे पास मेरी कौन कौन सी ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन फिर मेरे को वो याद नहीं आया रात को। फिर जब मैं उठी, मेरे मन में एकदम अचानक से आया कि मतलब मैं, चलो मैं ना याद करने लग जाती हूँ कि मैं अब ना याद करती हूँ सत्संग। तो फिर तब मैं जब बैठी, तब मेरे को बहुत सारी याद है। तो मतलब मैं ये सोच के शॉक्ड हो गई थी कि मतलब गुरु जी के एक अलग ही टाइम होता है जब गुरु जी ने हमको कुछ ब्लेसिंग देनी होती है। जैसे जैसे कि गुरु जी ने मेरे को याद दिलवाया सारे सत्संग, और एक और भी सत्संग है मेरे ड्रीम वाला। तो उस दिन मैं स्वरूप के आगे थी, मम्मी और मैं, मम्मा मम्मा का बैक साइड गुरु जी के स्वरूप के पास था, मेरी फ्रंट साइड मतलब मेरा फेस गुरु जी के स्वरूप के पास था। फिर अचानक से ही कुछ देर में ही मैं ड्रीम में गुरु जी हिलने लग गए, मतलब इतने ज़्यादा हिल रहे थे कि मतलब पता भी चल रहा था, ऐसा नहीं था कि किसी को पता नहीं चले। फिर मैं बार बार मम्मी को बोल दी थी कि ये देखो ये देखो, लेकिन फिर जैसे ही मम्मी पीछे टर्न करे वैसे ही गुरु जी रुक जाते, ऐसे हो रहा था बार बार। फिर बाद में मम्मी ने लास्ट टाइम, मैंने एक बार सोचा कि चलो अब मैं एक बार वापस से ट्राई करती हूँ। फिर मैंने जब ट्राई करा, तब मम्मी ने बोला कि आप परेशान मत कर, झूठ मत बोल। तो वैसे ही मेरी नींद खुल गई। देन मैंने गुरु जी का शुक्राना करा, थैंक यू करा इतना। फिर मैंने पूछा कि गुरु जी, ये तो आपने मम्मी को ही नहीं दिखाया। फिर गुरु जी की साइड से हिंदी में रिप्लाई आया कि ये तेरी ब्लेसिंग थी, ये तेरे लिए ही है। और फिर उसके बाद मेरा एक और भी ड्रीम वाला ही सत्संग है। मैं एक दिन पढ़ाई कर दी थी, बैठी हुई थी, उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, थोड़ी देर मैं आंखें बंद करके बैठ जाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपनी आंखें बंद करके मैं बैठ गई, और मेरे को पता ही नहीं चला कि कब मैं सो गई और मेरे को नींद आ गई। फिर उस ओम में फिर मेरी ड्रीम में मेरे को एक ओम नज़र आया, एंड ओम के जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होते हैं ना, ऐसे बनता है। तो ये वाला पॉइंट था कि जिस पे गुरु जी का एक स्माइलिंग स्वरूप था। तो जैसे फिर मैं उठ गई, अचानक से मेरी नींद खुली, एंड देन अगेन आई सेड शुक्राना टू गुरु जी, शुक्राना। और फिर ऐसे ही एक और भी सत्संग है, ओम वाला ही है। एक दिन मैं दोपहर को बैठी हुई थी, पढ़ाई कर दी थी उस वक्त भी, एंड मेरे दिमाग में आया कि मंगो नहीं मनो, ऐसे अचानक से आया। एंड फिर मेरे मुंह से ऐसे निकल ही गया कि गुरु जी, आपने मेरे को इतने टाइम से ब्लेसिंग नहीं दिया, आप आज प्लीज़ देना। एंड तब पता नहीं मेरे को कुछ समझ नहीं आया था कि कब मेरे मुंह से ये निकल गया। एंड देन फिर बाद में मम्मी ने मेरे को आवाज़ लगाई कि अब खाना लेने आ जा। एंड जैसे ही मैं गई,
वहाँ पे यू वोंट बिलीव कि मतलब तब वहाँ पे एक भी रोटी पे ओम नहीं। मैं लंच करने गई वहाँ पे एक भी रोटी पे ओम नहीं। फिर जब मैं मेरी जब मम्मी ने रोटी बनाई तब उस पे एक ओम था एंड आई वॉज शॉक्ड कि मतलब ये ओम आया। एंड आई अगेन सेट टू गुरु जी शुक्राना शुक्राना। उस दिन में मेरा दिन बहुत अच्छा गया। और फिर एक और भी है जिस दिन जिस टाइम पे गुरु जी हमको कॉफ़ी के थ्रू ब्लेस करते थे। एवरी टाइम जब भी हम लोग कॉफ़ी बनाए कोल्ड कॉफ़ी तब भी गुरु जी हमको एकदम विजिबल ब्लेसिंग देते थे कि मतलब जैसे हम लोगों ने गुरु जी को कोल्ड कॉफ़ी पिलाई एंड देन हम लोग जैसे ही पीने आए तब गुरु जी के सामने से जो मग होता था वो हाफ या फिर हाफ या उससे थोड़ा सा कम हो जाता था। एंड फिर ये भी एक ब्लेसिंग थी। ये भी थी अच्छी सी ब्लेसिंग। एंड मेरे को तो ये लगता था कि गुरु जी हमको किसी चीज़ में ब्लेस कर रहे हैं। पहले मेरे को ऐसा लगता नहीं था बट फिर उसके बाद मेरे को कुछ टाइम जब ऐसे होता रहा मतलब वो अभी भी होता है। जब पहले वो होता था तो तब मेरे को ये नहीं लगता था कि ये ब्लेसिंग है किसी चीज़ में वो हमको ब्लेस करते हैं। लेकिन फिर कुछ टाइम ऐसे ही बीत गया देन मेरे को ऐसा लगने ही लगा कि ये तो कुछ ब्लेसिंग्स है। एंड फिर एक बार गुरु जी ने मेरे को एक कॉपी दिलानी थी। कुछ दिन मेरे को या दिमाग में आया कि मैं कुछ ना एक कॉपी सी बनाऊं मम्मी मेरे को दे दे और फिर मैं उसमें कुछ तो ना गुरु जी के लिए लिखूं ही लिखूं। एंड देन फिर उसी उन्हीं कुछ दिनों में मम्मी ने हमारे रूम्स के लिए स्वरूप फ्रेम करवाने थे। तो उस दिन जिस शॉप पे हम लोग गए थे उसी शॉप पे ना कॉपीज भी मिल रही थी मतलब एज अ नोट पैड कह सकते हैं। तो वहाँ पे मम्मी गई और मम्मा ने पूछा कि तेरे को ये चाहिए क्या। तो मैंने बोला यस आई वॉन्ट। एंड देन मैंने जब ये ली तब जब हम लोग वापस शॉप से घर जा रहे थे तब मेरे दिमाग में आया कि मैं इसमें तो गुरु जी के वचन लिखूंगी जो गुरु जी बोलते थे। एंड ऐसे ही गुरु जी ने मेरे को कॉपी भी दिला दी। एंड फिर एक और भी है कि मतलब जिस टाइम पे एक बार गुरु संगत ने हमको एक एक स्वरूप दिया था पॉकेट स्वरूप। वो मेरे को लेने का बड़ा मन था क्योंकि उसमें गुरु जी ने ऐसा चोला पहना था जो मेरे को गुरु जी पे बहुत अच्छा लगता था। तो वो बोला उसका। एंड फिर जब मैंने आपको बोला ना कि ये मम्मी हमारे रूम के लिए गुरु जी का स्वरूप फ्रेम करवाई थी तब भी मम्मी ने हमसे पूछा कि तेरे को कौन से वाला गुरु जी का स्वरूप फ्रेम करवाना है। देन मैंने वही वाला बोला जौन से वाला पॉकेट स्वरूप में था। एंड फिर मेरे को याद ही नहीं था कि पॉकेट स्वरूप में भी यही वाला होगा बट मेरे को लग रहा था कि दूसरे वाला होगा। तो मैंने फिर करवा लिया। एंड जब एक दिन मैंने फोल्डर खोला अपना उसमें गुरु जी का पॉकेट स्वरूप रखा हुआ था मैंने कि मतलब पढ़ाई करते हुए उधर ही रहना चाहिए। तो फिर मेरे अचानक से मन में आया कि अब मैं ना फोल्डर खोल के गुरु जी का स्वरूप लेके इधर ही रख देती हूँ जहाँ पे गुरु जी का फोटो फ्रेम है स्वरूप का फ्रेम है। फिर मैंने वहाँ पे रखा एंड आई वाज शॉक्ड कि मतलब दोनों सेम सेम है सेम स्वरूप है एंड सेम स्वरूप थे। तो मैंने ये सोचा कि मतलब अगर मेरे को कहीं ट्रैवल करना होगा तो फिर मैं गुरु जी का पॉकेट स्वरूप भी लेके जा सकती हूँ जिससे गुरु जी हमारे घर का भी ध्यान रखें और हमारे साथ भी चलें। तो ये मेरे दिमाग में उसी वक्त आया ये सेम देख के। तो मतलब आया मैं इसको एक ब्लेसिंग ही समझती हूँ वैसे ये है ही ब्लेसिंग। एंड मेरा अभी और सत्संग नहीं है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी क्या मैं अपना सत्संग फिनिश करूं? संगत जी सत्संग आप लगता है कि फिनिश कर देना चाहिए तो क्या मैं सत्संग खत्म करूं? आप
क्या और सत्संग शेयर करूं या फिर अपना सत्संग खत्म करूं? संगत जी जवाब दीजिए प्लीज। संगत जी सत्संग फिनिश करूं या और सत्संग शेयर करूं? ठीक है, जय गुरु जी संगत जी, अब मैं अपना सत्संग खत्म करती हूँ अभी यहीं पे। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो माफ करना, और बेटी छोटी थी सत्संग शेयर करें लेकिन घबराई हुई थी, पहली बार शेयर करे उसने तो थोड़े घबरा सी रही थी। बाकी उसने अपने सत्संग लिखे हुए हैं, एक अलग से डायरी जो वो बता रही थी, कॉपी डायरी बनाई हुई है, उसमें गुरुजी के वचन और वो सब लिखती रहती है। तो थोड़ा बहुत गुरुजी ब्लेस करते हैं बच्चों को। तो और ये जो कॉफ़ी का सत्संग बता रही थी, ये सच में होता है गुरुजी, मतलब सिर्फ ओम रोटी पे जब मैंने बुलाया था ये सच में हुआ था, और किसी रोटी पे ओम नहीं दिखा था। जब ये आई, इसे पता नहीं बात करी या क्या, इसकी रोटी पे ओम था और एक नहीं दो तीन थे। और जब भी ये कॉफ़ी पिलाती है गुरुजी को, कोल्ड कॉफ़ी या हॉट कॉफ़ी, इसके बच्चों की कॉफ़ी में से कॉफ़ी कम होती है, गुरुजी ब्लेस करते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार, ये अधिकतर होता है, मतलब कुछ भी हम गुरुजी को ब्लेस मतलब भोग लगाते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ ब्लेसिंग जरूर देते हैं। हर बार ही नहीं होता लेकिन कभी कभी जरूर होता है, कभी कभी। तो बच्चों की ब्लेसिंग है, और वैसे भी गुरुजी तो बच्चों का एक्सेप्ट करते हैं। बच्चों का क्या, मैं तो कहती हूँ कि हम भी बच्चे हैं, हमारा भी एक्सेप्ट करते हैं गुरुजी, हमें तो हर राह पे दिखाते हैं, ले जाते हैं। मतलब मैं क्या कहूँ, मैं तो गुरुजी से कई बार, जैसे कह रही हूँ ना, जिद कर लेती हूँ, जिद भी कर लेती हूँ गुरुजी, फिर लगता है कि क्यों जिद कर रही हूँ, गुरुजी तो अपने ही हैं तो क्या। अब एक सत्संग और याद आया मुझे, मैं शेयर करती हूँ। ऐसे ही था ये इसी टाइम का, 2021 का मार्च का, 20th मार्च का, मैंने ऐसी ही बात करी थी। मतलब कंजक बैठाई थी मैंने, तो कोरोना के टाइम में वो तो कर नहीं सकते, कंजक तो बैठा नहीं सकते, तो पैकिंग करी थी। इस बारी पैक करके दे रहे थे कि हम पैक करके दे देंगे, तो ऐसे ही हुआ। मैंने इस बारी मतलब कंजक के लिए बहुत कुछ, मतलब जितना मन में आया उतना करा, क्योंकि लास्ट टाइम नहीं कर पाए थे, तो काफी चीजें करी, तो उसे मुझे अच्छा लगा, तो बच्चों को भी दिया, प्लस मेरे भाई भी बच्चों के लिए कंजक ले जाता दे जाता है। तो उस दिन आना था उसने भी, लेकिन मुझे नहीं पता था। मैंने बच्चों को भी दिया, कंजक दी, फिर मैंने कहा ठीक है, हर बारी जब भी मैं कंजक बैठाती हूँ ना, काम वाले मेड को भी दे देती हूँ, और कोई भी अगर आता है तो उनको सबको दे देती हूँ। तो मन में आया, पता नहीं कैसे आया, मुझे नहीं समझ आया, उस दिन बाय चांस मन में हुआ, मैंने ऐसे ही बोला बच्चों को, बच्चों तुम्हें भी खर्ची मिल गई, और जो मेरे घर मेड काम करती है उसको बोला, मैंने कहा तेरे को भी खर्ची मिल गई है, मुझे ही नहीं मिली बस एक खर्ची। मैं हंस के बोला, मैंने कहा मुझे ही नहीं मिली बस एक खर्ची। आप मानोगे संगत जी, वैसे मेरा भाई जब भी कंजक देने आता मुझे नहीं देता, क्योंकि मैं तो बड़ी हूँ, मुझे क्यों देगा कंजक। उस दिन मेरे नाम, मतलब कहता है कि दीदी पहले मेरे बच्चों की कंजक बाद में पकड़ाई उसने, कहता है दीदी ये आपकी वो कंजक है, लेकिन मेरी तरफ से नहीं, पापा की तरफ से। मैं बिल्कुल शौक हो गई, मैंने कहा सुबह 1 घंटे पहले ही 1.5 घंटे पहले ही मैं यही कह रही थी, मुझे कोई नहीं देता खर्ची, कंजक मुझे तो नहीं मिलती। और 1 घंटे बाद ही मेरे भाई ने, कभी नहीं हुआ शादी के बाद कि उसे मेरे को कंजक दी हो। हाँ वैसे वो खर्ची देता रहता है, लेकिन ऐसे नहीं कंजक देता हो या कुछ भी एनीथिंग। मतलब उस दिन कंजक, पता नहीं बैठे बैठे मन में आया, वैसे काफी 1.5 साल हो गया था कोविड के टाइम में बैठे ही हुए हैं घर में, आना जाना वैसे भी हमारा कम ही होता है अब, क्योंकि कम ही जाते हैं, बच्चे छोटे हैं तो अपने ब्रदर के घर भी कम ही जाती हूँ, मिलती विलती मतलब किसी से भी आना जाना कम ही कर दिया। तो इन सब चीजों की वजह से हुआ होगा, मन में आया पता नहीं कि मुझे कोई खर्ची नहीं देता, मेरे भाई ने दे दी, देखो वो भी भाई ने नहीं, पापा के नाम से आपकी खर्ची है तो ये खर्ची ले लो। तो जय गुरु जी, एक सत्संग और मैंने शेयर करा, गुरु जी जैसे दिल की भी बात सुन लेते हैं, आपके दिल में क्या है वो भी पूरी कर देते हैं,
मतलब आपको अकेला नहीं फील होने देते कि मतलब हाँ भाई मेरा बच्चा दुखी है। उस वक्त मैं दुखी नहीं थी, लेकिन मन में आया कि मेरे को कौन देगा खर्ची, मम्मी मम्मी दे सकती है, लेकिन कई दिनों से मम्मी से भी नहीं मिली थी तो मम्मी कहाँ से देती। भाई ने आना था, उसके मन में कोई मम्मी ने भी नहीं डाला कुछ नहीं, भाई ने आना था, भाई के मन में जिस वक्त उसने बताया कि जिस वक्त कंजक निकाली ना, उस वक्त ही आया मन में कि चल तो दीदियों को भी पापा के नाम की खर्ची दे दो। तो देखो संगत जी, मैं देख के बिल्कुल शौक हो गई सुन के, और जिस वक्त मेरे भाई ने पकड़ाया ना, मतलब अंदर तो नहीं आया था बाहर ही, उस वक्त जिससे मैं बोल रही थी ना मेड से कि हाँ देख मेरे को खर्च, उसी के सामने बाहर ही दी, दीदी ये लो ये पापा की तरफ से आपकी खर्ची है। तो वो भी हंसी वहीं पे कि भैया अभी अभी भाभी ना 1 घंटे मतलब थोड़ी देर पहले ही यही बोल रही थी कि मेरे को खर्ची देने वाला कोई नहीं है, आज मेरे को कौन देगा खर्ची, और आपने दे ही दी। देखो गुरु जी यहाँ पे भी पूरी कर देते हैं, आपकी छोटी छोटी खुशियां भी मतलब ही ले आते हैं। और काफी दिनों से मेरा कुछ खाने का मन था, तो ये कोविड टाइम चल रहा है तो हम कहीं आते जाते भी नहीं, तो कुछ खाना पीना भी बाहर से नहीं मंगवाते, बंद कर रहे हैं। तो बच्चों का ना काफी दिन से मन हो रहा था बाहर से खा ले, बाहर से ले लेते हैं, तो हम हर बार ही ना गुरु से पूछे बिना नहीं लेते, तो हर बार ही हम पूछते गुरु जी कि मंगवा ले बाहर से, हर बारी गुरु जी मना कर देते थे हर बारी, और हम वही करते थे, हम नहीं मंगवाते थे। इस बारी मतलब मैं काफी टाइम से 1-1.5 साल से ना मैकडोनल्ड का बर्गर नहीं खाया था, मुझे बहुत पसंद है, तो और आने जाने का भी कुछ ऐसा नहीं है कि मैं जाऊं वहां से खा लूं, नहीं काफी टाइम हो गया, 1-1.5 साल से भी ऊपर हो गया था मैंने मैकडोनल्ड का बर्गर नहीं खाया था। तो फिर मन में आया कि मन में था ही, मैंने नहीं बोला कि मैकडोनल्ड का बर्गर खाएं या कुछ भी, बच्चों के मन में आया कि कुछ खा लेते हैं, और उस दिन गुरुजी ने हाँ कर दी कि हाँ मंगवा लो, बच्चे खुश मैं खुश, मंगवाने के लिए हम रेडी। और जैसे ही आप मानोगे नहीं संगत, जैसे ही खोला उसी में सबसे पहले मैकडोनल्ड सबसे पहले मैकडोनल्ड आया, और हमने वही ऑर्डर किया, बच्चों ने भी कहा और हमने मैंने भी, सबसे पहले हमने मैकडोनल्ड का बर्गर किया और हमने खूब मजे से खाया, गुरुजी का पेट भर लिया, खा लिया मैकडोनल्ड का बर्गर, मैंने सच में शुक्राना किया, हाँ जी गुरु जी खा लिया। देखो गुरु जी छोटी छोटी इच्छाएं भी आपकी पूरी कर देते हैं, छोटी छोटी इच्छाओं से इन्हीं सब चीजों से खुशियां मिल जाती हैं बस, और क्या। गुरु जी पूरा ध्यान रखते हैं, देखो अभी भी गुरु जी स्माइल कर रहे हैं, पूरी स्माइल दे रहे हैं गुरु जी। अब आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं एक सत्संग एक ये भी है कि काफी टाइम से ना 2 महीने से मैं काफी बीमार सी हूँ, मेरी कभी आज भी देखो ये आईज दोनों ना स्वेल हुई हुई है, और फेस पे भी आधे फेस पे, मैं पिछले साल गिर गई थी तो आधे फेस पे स्वेलिंग आ जाती है, और ये आप ये आईज जो ये वाली है ना, ये वाली तो है स्वेलिंग आती रहती है, लेकिन 1-2 हफ्ते पहले ये आईज ना पूरी रेड हो गई और स्वेलिंग आ गई बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, मतलब बिल्कुल बंद सी हो गई थी, तो इसका भी ट्रीटमेंट चल रहा था। 3 दिन पहले की बात है कि मैं उस दिन कई दिनों बाद 1.5 महीने बाद उस दिन बेटर फील कर रही थी, मैंने कहा आज मैं ठीक सी फील हो रही हूँ, आज मेरे को ठीक सा लग रहा है, तो उस दिन मैंने एक संगत से बात करी, मैंने कहा आज मैं ठीक हूँ तो मैं आपसे ना बात करने का मन कर रहा, तो मैंने बात करी, और उसी दिन ही अंजलि आंटी, ये जो जिनका ग्रुप है, अंजलि आंटी का फोन आ गया कि आप सत्संग शेयर करोगे। मैं तो शॉक, आज ठीक हुई हूँ और गुरु जी का सत्संग का आ गया तो क्यों नहीं, मतलब गुरु जी की होगी इच्छा जरूर, कुछ ना कुछ गुरु जी ने ब्लेस करना होगा, अंजलि आंटी को भी गुरु जी ब्लेस करें, इस ग्रुप के सब संगत को भी, सब सबको, मतलब दुनिया में जितनी संगत है सबको ब्लेस करें, पूरी तरीके से ब्लेसिंग दें। और आज जब मैंने कहा, वीरवार डिसाइड हुआ था सत्संग शेयर करने का 4 बजे, और आप मानोगे कल रात से, मतलब 2 दिन से नहीं थी आके, कल रात से ये आईज पूरी स्वेल हो गई, ये वाली और ये वाली भी, फिर इसमें ना पूरा यहाँ यहाँ भी ना दर्द सा होने लग गया, मुझे ये था पता नहीं गुरु जी क्या परीक्षा ले रहे हो, करना है नहीं करना, बड़ी मुश्किल से हाँ करी है, मतलब कुछ टाइम पहले 1-1.5 महीने पहले जब मैं बीमार थी शुरू हुआ था, तब भी अंजलि आंटी का फोन आया था सत्संग शेयर करोगे, तब मैंने कहा नहीं अभी रुक जाओ थोड़े दिन बाद, तो जिस दिन मैं ठीक हुई उसी दिन ही फोन आया बाय चांस, और मैंने हाँ कर दी, और कल रात से ये स्वेलिंग सी आ गई, तो मैंने कहा गुरु जी मना करना तो नहीं है, आप नहीं, आपकी है कुछ ना कुछ है, मैं जरूर शेयर करूंगी, कुछ ना कुछ है ब्लेसिंग आपने देनी है तो शेयर तो करूंगी, मेरे को लगता है कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, कुछ है एग्जाम ले रहे हो आप मेरा, तो शेयर करूंगी, लेकिन
अब मानोगे जैसे जैसे मैं शेयर करने का बोल रही थी ना, वैसे वैसे ये आँख में दर्द बढ़ता जा रहा था। और आप मानोगे नहीं, अभी भी मेरे इस जगह पे ना दर्द हो रहा है, और आईज में भी। मैं शेयर नहीं कर पाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने अंजलि आंटी को भी फोन किया कि 1% कि मैं वैसे करूंगी नहीं, मना नहीं करूंगी, और हो सकता है आंखों में ज्यादा दर्द हो जाए या बोलने से ज्यादा दर्द हो तो यहाँ पे, तो मैं थोड़ी देर के लिए मतलब दूर होके बच्चों को या फिर गाना भजन चला दूंगी, मैं 2 मिनट के लिए रुक जाऊंगी। लेकिन गुरुजी ने हिम्मत बनाए रखी, सत्संग शेयर हो गए और मुझे जरा सा भी दर्द नहीं हुआ। लेकिन अब जरूर हो रहा है, लेकिन गुरुजी ने पूरी एग्जाम लिया, गुरुजी जाने मैं पास हुई या फेल, गुरुजी जाने, लेकिन हाँ शेयर कर जो गुरुजी ने करवाने थे करवा लिए। अब मैं यहाँ पे अपना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरुजी ने बड़ी परीक्षा ली सत्संग को भी शेयर करने में। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग खत्म करती हूँ, फिनिश करती हूँ। जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना संगत जी, गुरुजी आप भी माफ करना।